फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमने कितना खूबसूरत सा ये किचन ऑर्गेनाइजर बनाया है। इसे हमने फटी पुरानी शर्ट में से बनाया है। तो चलिए इस एप्रन को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम पुरानी शर्ट में से जो जिन मैन की जो पुरानी शर्ट होती है उनमें से आज हम किचन के लिए कुछ खास चीज़ बनाएंगे। तो ये देखिए शर्ट हमारी पूरी तरह से फट चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इसमें से एप्रन बनाऊंगी जो हमारे किचन में बहुत ही काम आता है। तो सबसे पहले हम जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसका पीठ वाला, उसे इसमें से अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे, तो इसे अलग कर लेते हैं पूरा हिस्सा। यहाँ से हमारी सिलाई हुई है वहाँ से हम इसे कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसकी सिलाई हुई है, तो यहाँ से हम इसे कट करके एक जैसा हिस्सा इसमें से निकाल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक जैसा इसमें से निकाल लिया। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ से, और इसे थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे। इस तरीके से हम जो भी एक्स्ट्रा सा है उसे हम काट देंगे इस तरीके से। तो ये हमें इस तरीके से ये कपड़ा मिल गया है। जितना भी हमें इसकी लेंथ रखनी है उतना हम इसे ले लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए कपड़ा देख लेते हैं। तो इसे अब हम साइड से कर देते हैं और इसके लिए ऊपर के लिए हिस्सा देख लेते हैं, ऊपर का जो भी हम लगाएंगे इसमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बटन वाला हिस्सा रखा है। तो सबसे पहले हम इसके बटन निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके बटन निकाल दिए हैं। तो जो हमारे स्लीव्स हैं, स्लीव्स लगी हुई है, यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे यहाँ तक। तो अब हम इसे रखेंगे यहाँ पर। तो इसे हम नाप लेते हैं, इसे जो हमने पहले कपड़ा कट किया है वहाँ से इसे नाप लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से नाप लिया है, जो हमारी स्लीव लगी हुई थी वहाँ तक ये हमारा आ रहा है। तो यहाँ से हम एक सीधा कट कर देंगे इसका। आज आपको इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि हम आसान तरीके से घर पर पड़ी हुई शर्ट से किस तरीके से एप्रन बना सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से भी एक जैसा कर लूँगी क्योंकि ये कोना सा निकला हुआ है शर्ट का, इस तरीके से। तो ये भी कट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पहले से ही ये पाइपिंग लगी हुई है इस तरीके से। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी हम इसमें कट कर देंगे। हम इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसको इसके साथ सिल दिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हम ये ऊपर से फिनिश करेंगे सबसे पहले। तो इसे उल्टा रखेंगे और इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसे भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है इस तरीके से ऊपर। तो ये हमारा ऊपर से फिनिश हो गया है। तो फिर से हम इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ तक पूरा फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इस पे एक सीधी, और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मुझे किस तरीके से इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से एक बार, इस तरीके से और
एक बार इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम ये पूरा सिल के तैयार कर लेंगे। फोल्ड करते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और हमें नीचे से फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे से फिनिश है अच्छे से। तो इसे हम फोल्ड करते हुए सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से सिल के तैयार कर लिया है। तो ये हमारा इस तरीके से है। तो ये दोनों साइड से हमारा फिनिश हो चुका है इस तरीके से। और नीचे से ये पहले से ही था और ऊपर से भी हो गया है। तो जो भी इस साइड की पॉकेट थी उसे निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये साइड की पॉकेट निकाल ली है। तो अब हम यहाँ पर ये पॉकेट लगाएंगे इस तरीके से। तो इसे भी इस पॉकेट को भी हम इसमें सिल के तैयार कर लेते हैं इस तरीके से सिल लेंगे। आप चाहें तो दूसरे कलर की भी इसमें पॉकेट लगा सकते हैं। मैंने इसी कलर की ले ली है जो हमारी शर्ट थी उसकी ये पॉकेट थी तो इसी को ले लिया है। तो इसे हम यहाँ पर सिल लेते हैं। तो मैंने इसमें पॉकेट लगा ली है इस तरीके से। तो अब हम इसकी गले के लिए पट्टी देख लेते हैं। तो अपनी शर्ट लेंगे फिर से जिसमें से हमने ये कट किया है और इसका आगे का एक साइड का हिस्सा बचा हुआ है तो इसे ले लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसे एक जैसा काट लेते हैं। इससे भी हमारी इसमें से तीन पट्टियां निकल जाएं गले के लिए और साइड्स के लिए। आप चाहे तो दूसरे कलर की भी इसमें ये पट्टियां लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये 3-3 इंच की पट्टियां कट कर लेती हूँ। तो ये बटन जो लगते हैं उसकी साइड में मैंने यहाँ पर एक कम पट्टी कट की है। ये हमारी पॉकेट वाला हिस्सा है इसमें से पॉकेट भी निकाल के मैंने लगा दी है। तो इस तरीके से ये हमारी एक बेल्ट के लिए पट्टी बन के निकल के तैयार हो गई है। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और इसे हम इस तरीके से सिल के तैयार कर लेंगे। यानी कि एक साइड से तो फिनिश है इस तरीके से। तो इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और इस पट्टी को हम ऐसे सिल लेंगे। नहीं तो आप क्लियर एक पट्टी निकाल के उसे फोल्ड करके सिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो और भी हम इसमें से पट्टियाँ निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पट्टी 3 इंची के लिए है तो बांधने के लिए आप कितनी भी बड़ी पट्टी ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये हमारी बांधने के लिए पट्टियाँ निकल के तैयार हो गई हैं। तो अब हम गले के लिए देख लेते हैं। तो इनको भी हम 3-3 इंची का कट करेंगे। अगर हमारी ये पट्टी गले की कम पड़ेगी तो इसमें हम जॉइंट कर लेंगे थोड़ा सा कपड़ा जो भी हमारा है। तो इसे भी हम इन सारी पट्टियों को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इनको सिल के तैयार कर लेंगे एक पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो इस ये हमारी पट्टी है। एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो हमारी ये पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारी स्टेप बना के तैयार कर लेते हैं। तो इन पट्टियों को मैंने सिल लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये स्टेप बनके तैयार हो गई है। तो ये हमारी दोनों साइड से यानी कि कमर वाली स्टेप है और ये हमारी गले वाली स्टेप है। जितनी भी आपको गले की बड़ी बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये स्टेप को रखेंगे इस तरीके से और जो हमने एप्रन बनाया है उसे रखेंगे यहाँ पर। तो एक हम एक स्टेप को हम यहाँ पर रखेंगे और एक स्टेप को हम यहाँ पर चलेंगे इस तरीके से कॉर्नर्स में। तो इस तरीके से हम दोनों स्टेप को इसमें जॉइन कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो दोनों को जॉइन कर लेते हैं। तो इनको भी सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने इसमें सिल के तैयार कर दिए हैं। अब हम हमारी जो कमर वाली स्टेप है उनको भी इसमें जॉइन कर लेंगे। तो ये दोनों स्टेप को लेंगे, जितनी आपको इनकी लंबाई रखनी है उतनी रख सकते हैं।
तो इस तरीके से इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्टेप को लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली को लेंगे और इसे हम यहाँ पर सिल लेंगे। तो इन दोनों को भी हम इसमें सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम दो दो सिलाई लगा लेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये स्टेप लगा ली हैं। तो ये हमारा एप्रन बन के तैयार हो गया है और ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा ये एप्रन बना है और इसे हमने 5 मिनट में बना के तैयार कर लिया है और इसमें हमने ज़्यादा सिलाई नहीं की है और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा एप्रन बन के तैयार हो गया है। इसे आप कपड़े से भी बना सकते हैं लेकिन मैंने बिना पैसे खर्च किए इसको बनाया है। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा ये एप्रन बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।